हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिसऑनर ऑफ चेक, जिसे कि नॉर्मली चेक बाउंस भी कहा जाता है। इस वीडियो में हर एस्पेक्ट्स को समझेंगे कि डिसऑनर ऑफ चेक होता क्या है, कैसे चेक प्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या रीजंस हैं या ग्राउंड्स हैं जिसमें कि चेक डिसऑनर हो सकता है, और उसके बाद क्या प्रोसीजर है कि कैसे रिकवरी कर सकते हैं आप मनी की। अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बेसिकली वो एक्ट है जो डिसऑनर ऑफ चेक या चेक बाउंस से रिलेटिंग प्रोविजंस को प्रोवाइड करता है और साथ ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि इसके रिगार्डिंग क्या रेमेडी आपको अवेलेबल है। बेसिकली सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक के एस्पेक्ट्स को बताता है कि क्या डिसऑनर ऑफ चेक होता है। अगर कोई पर्सन ऑर्डर करता है बैंक को कि जो पर्सन चेक प्रेजेंट करेगा रीजनेबल टाइम में उसको वो पेमेंट करनी है, उसके बाद भी अगर बैंक पेमेंट नहीं करता तो उसे डिसऑनर ऑफ चेक कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। राम सिंह ने 20,000 रुपये का चेक 20 मार्च 2020 को सुमित कुमार को हैंडओवर किया। यहाँ चेक की पेमेंट के रिगार्डिंग एक लिमिटेशन प्रोवाइड किया गया है कि जो चेक पे डेट होगी उसके 3 महीने के अंदर आप प्रेजेंट कर सकते हैं चेक को और पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो सुमित कुमार के पास जो टाइम पीरियड है वो 19/6/2020 तक का टाइम पीरियड है कि इससे पहले आप बैंक में चेक जमा कर सकते हैं और पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली सुमित कुमार ने 20,000 रुपये का चेक 4 मई को बैंक में प्रेजेंट किया, लेकिन बैंक ने जो 20,000 रुपये का अमाउंट था उसको सुमित कुमार को नहीं दिया। अब बैंक अनपेड रह गया, लेकिन इसके साथ ही बैंक की ड्यूटी बन जाती है कि वह सुमित कुमार को रीजंस प्रोवाइड करे और साथ में एक बैंक मेमो प्रिपेयर करे। लेकिन ये बैंक जो बैंक मेमो प्रिपेयर करेगा वो विद इन 30 डेज डिलीवर करना पड़ेगा सुमित कुमार को, जिसमें कि रीजंस मेंशन होंगे कि ये चेक बाउंस क्यों हुआ है। बेसिकली 3 रीजंस होते हैं जिसमें कि चेक डिसऑनर हो सकता है। पहला रीजन है कि सफिशिएंट फंड ना हो अकाउंट में, दूसरा कि ऑलरेडी अकाउंट क्लोज हो चुका हो, और तीसरा है कि पर्सन ने पेमेंट ना करने के लिए बैंक को एप्लीकेशन दी हो कि उस पर्सन को ये पर्टिकुलर चेक आपको नहीं पेमेंट करनी है। तो इन केसेस में बैंक डिसऑनर कर सकता है चेक को। इसके बाद सुमित कुमार के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वह दोबारा प्रेजेंट करें चेक, या वो नोटिस सर्व करें राम सिंह को, डिमांड नोटिस जो कि बैंक मेमो के रिसीव होने से 1 महीने के अंदर अंदर आपको राम सिंह को नोटिस सेंड करना पड़ेगा कि आप 20,000 की पेमेंट 15 दिन के अंदर करें। बेसिकली जो डिमांड नोटिस है उसमें 15 दिन का टाइम देते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट मिल जानी चाहिए, नहीं तो इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर पेमेंट हो जाती है तो डिस्चार्ज हो जाएगा लायबिलिटी से, लेकिन अगर नॉन पेमेंट होगा तो फर्दर क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या लीगल एक्शन है, उसकी बात करते हैं हम लोग। अगर पेमेंट नहीं होती है 15 दिन के अंदर तो सुमित कुमार के पास राइट है कि वो कंप्लेन फाइल कर सकता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब है कि 1 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। तो कंप्लेंट फाइल होने के बाद कोर्ट के पास पावर है कि वो सेक्शन 143A के अंडर इंटरिम रिलीफ का प्रोविजन है जिसमें कि आपको इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड करता है। अगर केस का नेचर समरी ट्रायल या समन केस है तो उस केस में जो रिस्पोंडेंट है वो अगर प्लीड नॉट गिल्टी करता है उसके बाद, और अदर केसेस में चार्ज फ्रेम होने के बाद ये इंटरिम रिलीफ का एस्पेक्ट आता है, इसमें कि कोर्ट ऑर्डर करता है इंटरिम रिलीफ के लिए जो कि अमाउंट 20% ऑफ चेक अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता, और इसकी पेमेंट 60 दिन के अंदर अंदर कर देनी पड़ती है डिफेंडेंट को। इसके साथ ही जो चेक बाउंस के रिगार्डिंग पनिशमेंट है वो अंडर सेक्शन 138 में क्लियरली मेंशन है कि या तो इम्प्रिजमेंट हो सकती है up to 2 years, या आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, और या बोथ। बेसिकली यही पूरा प्रोसीजर था
रिगार्डिंग डिसऑनर ऑफ चेक, जिसे कि जनरली आप चेक बाउंस के नाम से भी जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें।